नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सीआईएसएस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम कटिंग स्पीड फार्मूले के बारे में और फीड ऑफ ड्रिल के बारे में, कैलकुलेशन द ड्रिलिंग टाइम के बारे में, मेथड ऑफ ड्रिलिंग के बारे में एंड प्रिकॉशंस के बारे में। तो आइए दोस्तों हम बताते हैं कि सीकेपी सीआईटीएस चैनल में आपका स्वागत है और इसमें बारे में आज इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी करा देंगे और कटिंग स्पीड एंड फेड को क्लियर करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पार्ट बनेगा, आपका पार्ट ये बनेगा तो 26 बनेगा दोस्तों। तो आइए पहले टॉपिक पर हम चलते हैं, कटिंग स्पीड पर। ठीक है, तो कटिंग स्पीड होती क्या है दोस्तों? तो कटिंग स्पीड की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो ड्रिल की परिधि मतलब पेरिफेरल, ड्रिल की जो परिधि होती है क्या होती है? पेरिफेरल, पेरिफेरल। ठीक है, पर किसी एक बिंदु द्वारा, पर किसी एक बिंदु द्वारा क्या है दोस्तों? डील की परिधि, जो डील है ये जॉब है, जो डील की परिधि है, यहां चक्कर जो चलेगा उसका, पर किसी एक बिंदु द्वारा प्रति मिनट में काटे गए चक्रों द्वारा तय की गई दूरी। और प्रति मिनट मतलब प्रति मिनट में काटे गए चक्रों की दूरी, अर्थात एक मिनट में बात करेंगे, अर्थात एक मिनट में डील द्वारा ये मान लीजिए डील है आपका, एक मिनट में डील द्वारा जितनी धातु काटती है, एक मिनट की बात कर रहे हैं, अगर जितना धातु इसमें काटता है दोस्तों, यदि उसको एक सीधी रेखा में, अगर उसको सीधी रेखा में ऐसे रखा जाए, रखकर मीटर या फुट में मापा जाए, तो वह उसका क्या होगा? कटिंग स्पीड कहलाएगी। रखकर मापा जाए मतलब एक मिनट में जितना धातु काटा है, एक सीधी रेखा में रखकर उसको मापा जाए, तो वही कटिंग या क्या कहलाएगी? कटिंग या स्पीड कहलाएगी। यह मीटर प्रति मिनट क्या है दोस्तों? यह मीटर प्रति मिनट तथा फुट प्रति मिनट में मापा जाता है। मीटर प्रति मिनट मतलब एक मिनट में काटा है दोस्तों, क्या है? एक मिनट में वो काटा है, तो किस में मापा जाएगा? एक प्रति मिनट या प्रति फुट, ठीक है, प्रति मिनट या प्रति फुट में मापा जाएगी। ठीक है, इसे ड्रिल की परिधि चाल मतलब पेरिफेरल स्पीड भी कहते हैं। इसे मीटर प्रति मिनट क्या कहेंगे दोस्तों? इसे मीटर पर मिनट या फुट प्रति मिनट में मापते हैं। क्या है? मापते हैं। क्लियर दोस्तों? अब आइए आपको फार्मूला के बारे में बता दे रहे हैं। तो फार्मूला क्या है दोस्तों इसका? यदि ड्रिल का व्यास यदि मिलीमीटर में हो, अगर ड्रिल का व्यास जो डी है उसका व्यास जो रहेगा मिलीमीटर में दोस्तों, तो उसके लिए क्या करेंगे? कटिंग स्पीड जो रहेगा वो सीएस रहेगा, मतलब कटिंग स्पीड रहेगा। ठीक है, मीटर प्रति मिनट में ये रहेगा, किसमें? ये सीएस बराबर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति मिनट। ठीक है, कटिंग स्पीड हो जाएगा, ठीक है, मीटर प्रति मिनट। ठीक है, इसके बाद से हो जाएगा पाई गुड़े डी गुड़े यन, ठीक है, पाई गुड़े डी गुड़े वन, और यह मिलीमीटर में है तो 1000 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो पाई का मान अगर है तो 22/7 ले लेते हैं, कितना दोस्तों? 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, कितना ले लेते हैं? 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ड्रिल डी जो है वो ड्रिल क्या है? डाया ऑफ ड्रिल हो जाएगा, मिलीमीटर में डाया ऑफ ड्रिल हो जाएगा। ठीक है, और यन जो है वो आरपीएम हो जाएगा, आरपीएम मतलब चक्रों की संख्या, क्या हो जाएगा? आरपीएम चक्रों की संख्या हो जाएगी, बटे 1000। ये आपको मिलीमीटर में क्लियर करेगा, इस पे आपको इस फार्मूले से आपका सवाल लगेगा दोस्तों। ठीक है, अगर हिंदी में बात किया जाए तो कर्तन चल, हिंदी में कह रहे हैं कि इंच में बात किया जाए तो कर्तन चाल फुट प्रति मिनट हो जाएगा। मतलब ये क्या है था पहला अपना, अगर 1000 इसके नीचे रहेगा तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? सीएस मतलब सीएस इज इक्वल टू पाई गुड़े डी गुड़े यन हो जाएगा, बटे 1000 हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान 22/7, डी डील का व्यास हो जाएगा, यन आरपीएम मतलब चक्रों की संख्या हो जाएगी, और 1000 से ये कर लेंगे आपका सवाल आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर कब रहेगा? मीटर पर मिनट जब पूछेगा, तो कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट पूछेगा तब। आ इसके बाद से दोस्तों आपका आता है कर्तन चाल फुट प्रति मिनट। कर्तन चाल मतलब फुट प्रति मिनट का कहेगा दोस्तों, तो पाई गुड़े डी यहाँ पे सीएस मतलब ये फुट प्रति मिनट जब पूछेगा, तो सीएस इजकल टू पाई गुड़े डी गुड़े यन तो रहेगा, मतलब रहेगा, लेकिन यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसको क्या करेंगे? हम इंच में लेते हैं, किसे? 12 वाले को इंच में और 1000 वाले को एमएम में लेते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आइए कुछ इसमें सवाल आपको दिखा रहा हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कर्तन चाल निकालने का फॉर्मूला, यदि मिलीमीटर में है तो दोस्तों कर्तन चाल मीटर प्रति मिनट पाई गुड़े डी गुड़े यन लगा लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सीएस,
सीएस इजिकल टू पाई हो जाएगा, गुड़े डी हो जाएगा, गुड़े एन हो जाएगा और 1000 हो जाएगा। रेंज में बात करेंगे तो 12 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे इसके सवाल के बारे में दोस्तों। तो यहाँ आपका कुछ सवाल दिए हुए हैं, ये आपको क्लियर करवा दे रहे हैं। कास्ट आयरन के जाब को, कास्ट आयरन के जाब में 14 मिलीमीटर के व्यास का ड्रिल करना है जबकि ड्रिल 500 चक्कर प्रति मीटर घूम रहा है, तो कटिंग स्पीड क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सीएस इन मीटर पर मिनट, मतलब मिनट में है, ठीक है। पाई गुड़े डाया ऑफ ड्रिल मिलीमीटर आरपीएम बटे 1000, मतलब किसमें है दोस्तों? पर मिनट, मतलब मिनट में है ये, तो कौन सा सूत्र लगेगा? 1000 वाला, ठीक है। 1000 अभी मैं इसके पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। हल तो किया गया है दोस्तों, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको ले लिया हूँ, क्योंकि टाइम नहीं बच पाता है वीडियो बनाने में, बहुत लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके आइए तो हम क्लियर करते हैं। सीएस मतलब कटिंग स्पीड पर मिनट क्या पूछ रहा है दोस्तों? गति घूम रहा है तो कटिंग स्पीड ज्ञात कीजिए। सीएस इसमें पूछ रहा है तो सीएस रखेंगे दोस्तों, सीएस इजकल टू पाई गुड़े डी गुड़े यन रखेंगे और बटे 1000 कर लेंगे, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है? तो 22/7, यहाँ जो दिख रहा है आपको वह 22/7 क्लियर कर दिया। डी का मान क्या है दोस्तों? 14 मिलीमीटर, तो डी का मान 14 मिलीमीटर यहाँ क्लियर कर दिया है। इसके बाद से यन चक्रों की संख्या 500 चक्कर है, तो 500 चक्कर क्लियर कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से 1000 जो नीचे है 22/7 रखेंगे तो 1000 रखेंगे और इसके बाद से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो क्लियर आ जाएगा 22 आपका एंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे काटेंगे कैसे दोस्तों इसको? तो ये जो आपका दिया है 22 × 14 × 500, ठीक है, दिया है ना यहाँ पे, बटे करके दिया है 7 × 1000, क्लियर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 × 2 = 10 हो जाएगा और 7 × 2 हो जाएगा 14 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा दोस्तों आपका 22। ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 22 जब आ गया तो ये आपका हो जाएगा कटिंग स्पीड बराबर 22 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। मीटर प्रति मिनट पूछ रहा है तो मीटर प्रति मिनट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कांसे मतलब ब्रोंज होता है कि जाप में 1/2 इंच साइज का ड्रिल करना है, ठीक है। तो उसके चक्कर प्रति मिनट निकालो जबकि कांसे के लिए निर्धारित चाल 80 फुट प्रति मिनट है। तो 80 फुट प्रति मिनट है, तो चक्कर प्रति मिनट फुट की बात कर रहा है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो कर्तन चाल फुट प्रति मिनट, पाई गुड़े डील का व्यास इंचों में, तो मतलब क्या लगाएंगे यहाँ पे? सी एस है इजकल टू पाई गुड़े डी गुड़े यन वटे 2L लगा देंगे दोस्तों। यहाँ क्लियर हो गया। आइए सवाल को हल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों कितना हो जाएगा? सी एस इजकल टू पाई गुड़े डी गुड़े यन, यही था, ठीक है, बेटियों 12 था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एक ब्रोंज कासे में एक जाब में 1/2 इंच साइज का डील करना है, तो जो डी है दोस्तों वो 1/2 इंच का है, कितने? 1/2 इंच साइज का है, ठीक है। तो चक्कर प्रति मिनट निकालो, तो यहाँ पे चक्कर प्रति मिनट निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, जबकि कांसे का निर्धारित कर्तन चाल 80 फुट प्रति मिनट है, 80 फुट प्रति मिनट निर्धारित चाल जो उसके है। तो चक्कर प्रति मिनट अगर यहाँ पे लेंगे तो चक्कर प्रति मिनट की बात करेंगे यहाँ पे, तो कर्तन फुट मतलब निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्लियर आपको करवाते हैं। तो यहाँ पे हम एन लिखेंगे दोस्तों, चक्कर प्रति मिनट की बात कर रहा है, ठीक है। तो कर्तन फुट प्रति मिनट ये जो बोल रहा है सूत्र के हिसाब से चलते हैं, तो कर्तन फुट बोल रहा है, तो कर्तन फुट हमारा कितना है दोस्तों? तो 80 है, क्लियर। तो जो 80 है दोस्तों, ये क्या करते हैं हम, 80 इसके बाद से क्या है दोस्तों हमारा, यहाँ पे जो आपका 12 मतलब इसका क्या है नीचे का 12 लिख देंगे और पाई का मान कितना है दोस्तों? तो 22/7 हो जाएगा, ठीक है। 22/7 इंटू इंचों में हो जाएगा कितना? हाफ, मतलब 1/2। इसको शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों, एन बराबर 80 × 12/22/7, ठीक है। अब इंटू हो जाएगा 1/2, ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहां से हम लगाते हैं तो 12/96 960, ठीक है, 960 हो जाएगा आपका। ये क्या करेंगे दोस्तों? 7 × 2 = 14 और ये हो जाएगा 22/14, ठीक है। ये क्या होते हैं? गुड़े हो जाते हैं, ठीक है, 22/14। अब ये हो जाएगा दोस्तों कितना? जब इसको क्या करेंगे 960 में 14 का गुड़ा करेंगे तो आएगा 13/440/22 हो जाएगा ये यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अब इसको 2 से काटेंगे दोस्तों दोनों को, तो 11 × 2 = 22, ठीक है दोस्तों। और फिर इसको 2 से काटेंगे तो 6 × 2 = 12, 13 में 1 हासिल बटेगा तो ये 14 हो जाएगा, ठीक। 6 आ गया,
इसके बाद से 7 दूना 14 7 आ गया, इसके बाद 20 दूना 40 तो 20 आ जाएगा दोस्तों, तो कितना आएगा 6720/11 6720/11। अब इसको भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 611 लगभग में कितना है दोस्तों बोलेंगे 600 चक्कर प्रति मिनट आ जाएगा, मतलब चक्कर प्रति मिनट पूछ रहा है तो 600 चक्कर प्रति मिनट हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्लियर आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे माइल्ड स्टील के प्लेट में 35 मीटर व्यास के ड्रिल का छिद्र करने के लिए चक्कर प्रति मिनट ज्ञात करें, जबकि कटिंग स्पीड दोस्तों 25 मीटर प्रति मिनट है, ठीक है। तो इसमें भी क्या कह रहा है, चक्कर प्रति मिनट यन पूछ रहा है, तो कटिंग स्पीड CS मतलब कह रहा है कि CS कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में कितना हो जाएगा, CS इजकल टू 1000 मीटर प्रति मिनट है तो 1000 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 तो पाई यहाँ हो जाएगा गुणे ड्रिल का व्यास, तो डी यहाँ पे हो जाएगी। तो कटिंग स्पीड कितनी है दोस्तों हमारी, तो क्या है दोस्तों हमारा कितना कटिंग चार्ज जो है 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 25 कर लेंगे ठीक है 25, और ये है क्या है 1000 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद से पाई का मान 22/7 रख लेंगे, और डील का व्यास डी कितना है दोस्तों यहाँ पे, तो देख सकते हैं 35 मीटर यहाँ पे मिलीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए सवाल को हल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लियर दर्शा रहा है, तो क्लियर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25 मतलब यन बराबर 25 गुड़े 1000 ठीक है, 1000 इंटू 22/7 ठीक, इनके बाद 35/1 हो जाएगा ठीक है, 35/1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, इसमें गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद से इसको गुणा कर लेंगे और फिर वही वाली प्रक्रिया हो जाएगी, इसके बाद से काटेंगे दोस्तों तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 227 चक्कर प्रति मिनट, पहले वाली प्रक्रिया की तरह इसमें लगा लेंगे। वीडियो तो लंबा हो रहा है दोस्तों, इसीलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ठीक है दोस्तों। अब आइए यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ आपको, यहाँ तो देख रहे हैं विभिन्न धातु में कल निर्धारित कर्तन चाल, तो धातु का नाम है कर्तन गति मीटर प्रति मिनट में है, कर्तन गति फुट प्रति मिनट में है तथा कूलेंट है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कूलेंट वाला ठीक है, ये भी पूछता है इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है इंपॉर्टेंट है क्लियर। तो आइए पहला नंबर है एल्युमिनियम और इसके इलाय की बात करते हैं, कर्तन मीटर प्रति मिनट कितना रहेगा तो 60 से 90 रहेगा ठीक है, फुट की बात करेंगे 200 से 300 रहेगा, और एल्युमिनियम के लिए क्लियर कर लीजिएगा मिट्टी का तेल और सिल्वर ऑयल कम पूछता है लेकिन मिट्टी का तेल हर बार पूछता है, ब्रास ब्रोंज के नर्म की बात करेंगे 30 से 90 और 100 से 300, शुष्क ब्रास ब्रोंज की बात करेगा तो शुष्क या सेल्युबल ऑयल, अगर नहीं समझ में आए दोस्तों तो सेल्युबल क्या करेंगे दोस्तों, आप सेल्युबल ऑयल एकदम आराम से मार सकते हैं ठीक है। ब्रोंज या हाई टेंसाइल की बात करेंगे 21 से 36 इसका और 70 से 120 ये है सेल्युबल ऑयल, देखिए हर में सेल्युबल ऑयल आ रहा है ठीक है। इसके बाद से ढलवल हुआ, जहाँ पे ढलवल हुआ आ जाएगा दोस्तों, नर्म है मीडियम है कठोर है, कोई भी ढलवल हुआ की बात करें तो सीधे 35 से 45 21 से 30 और 12 से 18, इसके बाद से इसका आ जाएगा 100 से 150 70 से 100 40 से 60 और सारे में शुष्क मार देंगे दोस्तों, कोई भी इसमें कूलेंट लुब्रिकेंट कुछ जरूरत नहीं होती है। मैलेबल ऑयल तांबा की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, कापर की CU क्या है दोस्तों, CU कापर, तो क्या हो जाएगा 18 से 24 और इसमें हो जाएगा 60 से 40 सोल्युबल आया या शुष्क, मतलब तांबा भी शुष्क भी चलाया जाता क्योंकि नरम है थोड़ा सा ठीक है। मैलेबल आयरन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 24 से 27 और 80 से 90 सोल्युबल आयरन या सोडा ठीक है, सोल्युबल आयरन तथा सोडा वाटर की बात करते हैं। देखिए इस्पात की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो इस्पात मतलब मृदु इस्पात माइल्ड स्टील उच्च कार्बन स्टील या टूल या हाई स्पीड स्टील, 18 24 18 15 12 या 39 27 18 24 ये है इसके क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्तन गति मीटर प्रति मिनट में और ये फुट प्रति मिनट में 80 60 50 130 90 60 80 ठीक है। ये सिल्वर आयल सिल्वर आयल सिल्वर आयल सिल्वर आयल ये क्लियर कर लीजिएगा, मिनरल आयल लाड आयल भी इसमें डाल सकते हैं ठीक है। इसके बाद से आपको क्लियर करवाते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा दोस्तों और कटे क्लियर कर दे रहे हैं, भी अगर पूछ रहा है क्या है दोस्तों, तो कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में या फुट प्रति मिनट में, डील की बात डी की बात करेगा डील का व्यास हो जाएगा दोस्तों, यानी की बात करेगा चक्कर ये प्रति मिनट में या प्रति फुट में RPM जिसे बोलेंगे ठीक है। कटिंग स्पीड भी बराबर पाई गुड़े डी में 1000 मीटर प्रति मिनट क्लियर हो जाएगा, अगर चक्कर की संख्या पूछ रहा है तो यन यहाँ पे लिखेंगे और भी जो हो जाएगा कटिंग स्पीड ऊपर हो जाएगा 1000 यहाँ पे आ जाएगा और पाई गुड़े डी आ जाएगा, मतलब डील का व्यास और पाई का मान यहाँ नीचे लिख देते हैं, अभी इसके सवाल लगा चुके हैं, अगर 1000 यहां से हटाना है दोस्तों तो क्या आ जाएगा 2L आ जाएगा क्लियर। अभी जो है दोस्तों वो क्या है तुम्हारा कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में, जो कटिंग स्पीड देगा वह मान रख लेंगे और इनटू कर लेंगे दोस्तों, और पाई का मान जो रखेंगे वो पाई का मान 22/7 रख लेंगे दोस्तों, और डी जो डील का व्यास रहेगा क्लियर। यन चक्करों की संख्या निकालना है तब, अगर कटिंग स्पीड की बात करेगा CS केवल पूछेगा दोस्तों, तो CS में क्या करेंगे दोस्तों यहां पे,
तो सीएस में दोस्तों क्या करते हैं, कटिंग स्पीड पूछता है तो भी वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और पाई गुणे डी गुणे एन बटे 1000 लगाते हैं सीधे, ठीक है। पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, डील का व्यास जो रहेगा रख लेंगे, चक्कर चक्रों की संख्या, उसके बाद सारे इंटू करके 1000 से कटिंग करके उसके बाद आंसर ला लेते हैं, क्लियर दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। कास्ट आयरन के जाब में 10 मिलीमीटर सुराख करने के लिए आरपीएम कह रहा है, यहाँ पे कास्ट आयरन के 10 मिलीमीटर सुराख के लिए सुराख ज्ञात करने के लिए आरपीएम ज्ञात करो, जबकि कटिंग स्पीड 13 मीटर प्रति मिनट है, तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर डील का व्यास कितना दिया है दोस्तों, 10 मिलीमीटर, क्लियर है दोस्तों। कटिंग स्पीड कितना दिया है दोस्तों, कटिंग स्पीड की बात करेंगे तो 13 मीटर प्रति मिनट है, मीटर प्रति मिनट तो मतलब 1000 यहाँ पे लगेगा, क्लियर, मिलीमीटर में है, ठीक है। तो आरपीएम पूछ रहा है, तो मतलब आरपीएम क्या पूछ रहा है, तो मतलब यन पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, वो वाला यन बराबर भी इंटू कटिंग क्या है, भी इंटू 1000 और डी पाई इंटू डी मतलब पाई इंटू डी, ये वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे, तो क्लियर करते हैं यहाँ पे। तो आरपीएम पूछ रहा है तो मतलब यन चक्रों की संख्या पूछ रहा है, तो कटिंग स्पीड कितना है दोस्तों हमारा, 13 मिलीमीटर यहाँ पे रख लेंगे 13, ठीक है, और 1000 रहेगा ठीक है, प्रति मिनट हो तो डील का व्यास, तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो 13 यहाँ पे रख लिए, 1000 यहाँ पे रख लिए, और 22/7 हम नीचे रख लेंगे, और इंटू 10 रख लेंगे, 10 क्या है दोस्तों, मतलब मिलीमीटर, जो डील का सुराख करने का जो जाप का व्यास है दोस्तों, डील का व्यास, ठीक है। तो 13 है यहाँ पे, 1000 है इंटू 7, ठीक है, 7 मतलब 22/60, और ये डील का व्यास, तो ठीक है, ये सारे गुणा करेंगे तो 4550 आएगा, और बटे ये आपका आ जाएगा 11, और ये आप कटिंग करके, ठीक है, यहाँ पे कटेंगे तो आ जाएगा 413.63 आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्लियर, इसको दोस्तों क्लियर कर दे रहा है बढ़िया से कटिंग करके, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए 13 है, 13 के बाद 1000 है, 1000 के बाद से 7 है, 7 के बाद से कितना है दोस्तों, 22 है, और 22 के बाद से 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया आपका। 7 में 100 से गुणा करेंगे तो ये 700 आ जाएगा, क्लियर, 700 मतलब 13 7 91, तो 9100 ये हो गया दोस्तों, ठीक है, 9 1 9100 हो जाएगा, क्लियर, 9100 बटे क्या हो जाएगा 22, तो 11 2 22, और इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा, तो 4 2 8 एक बचेगा, एक में जाएगा 11 आ जाएगा, तो 5 2 10 एक बचेगा, इसमें आएगा तो 10 हो जाएगा, तो 5 2 10 0 इसके बाद लगा देंगे तो 4550 बटे 11 आ जाएगा। तो जब 4550 बटे 11 आ जाएगा तो उसको जब हम हल करेंगे दोस्तों तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये दशमलव में जब भाग देंगे हम तो आ जाएगा 413.63 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हमको मांग रहा है, कह रहा है कि सुराख करने के लिए आरपीएम ज्ञात करो, यन चक्रों की संख्या वो हो जाएगी, क्लियर दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यमयस के जाब में 12 मिलीमीटर का डील ज्ञात करने के लिए कटिंग स्पीड ज्ञात करो, यमयस जाब में 12 मिलीमीटर का डील ज्ञात कर डील करने के लिए कटिंग स्पीड ज्ञात करो, जबकि डील आरपीएम 350 है, ठीक है, डील आरपीएम 350 है। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, 12 मिलीमीटर की बात कर रहा है, तो 1000 क्लियर है लगेगा आपका, क्लियर ये हो गया। तो डील का व्यास 12 मिलीमीटर, आरपीएम हमारे कितना 360, तो आरपीएम 360 यहाँ और डील का व्यास यहाँ, क्लियर हो गया। इसके बाद से क्या कह रहा है, 22/7 हम सीधे रख देंगे पाई के मान के जगह पे, तो आइए सवाल को हल करते हैं, यहाँ पे हल किया गया है, ठीक है। तो 22/7 सीधे रखते हैं, क्या हमको निकालना है, कटिंग स्पीड सीएस, क्या निकालना है सीएस, कटिंग स्पीड 22/7 यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, इनके बाद से 12 रख लेंगे, इसके बाद से इंटू 350 रख लेंगे, इसके बाद से दोस्तों क्या है 1000 रख लेंगे, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल करते हैं, अरे आइए दोस्तों इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है। तो 22/7 यहाँ पे क्लियर है, 12 350 1000 13.20 किस तरह से काट के आया है दोस्तों, थोड़ा लंबा प्रोसेस तो होगा लेकिन समझदार दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो तो लंबा होता जा रहा है, ठीक है। 22/7 ये आपको यहाँ क्लियर हो गया, गुड़े आपका यहाँ हो जाता है 12/350, 12 × 350 क्लियर बटे हो जाएगा आपको 1000, ठीक है, 1000। अब यहाँ से कटिंग करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, अरे सॉरी दोस्तों यहाँ पे 7 है आपका, नहीं नहीं 7 नहीं है, 22/7 तो इधर हो गया दोस्तों, ठीक है, अरे सॉरी दोस्तों, 22/7 इंटू 12 × 350/1000 हो गया दोस्तों, क्लियर। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 25 चौका 100, तो 4 3 चौका
12, ये क्लियर हो गया, 3 चौके 12। ठीक है, अब यहाँ पे 50 में 25 तो 7 बचे 35, क्लियर ये भी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से आएंगे यहाँ पे हम बाईस गुणे तीन में गुणा कर देंगे, ठीक है, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 22 3 66, तो 66 यहाँ लिख लेते हैं हम, बटे आपका यहाँ 5 बचा हुआ है, 5 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको भाग करेंगे तब दोस्तों, तो 5 करने 5 जाएगा, तो बचेगा कितना, 1। ठीक, तो 1 हो जाएगा, तो जो 1 बचेगा वहाँ पे हम 6 को फिर रखेंगे, 16 हो जाएगा, तो 5 3 15, तो वो आंसर आएगा 13। फिर से दशमलव लगा के 1 बढ़ाएंगे दोस्तों, तो 0 दशमलव कितना आएगा, 2 5 2 2, ये आपका 13.2 आंसर आएगा मीटर प्रति मिनट में। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों, मैं भाग नहीं दिया हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपका कटिंग स्पीड क्लियर हो गया, फार्मूला क्लियर हो गया, और फिट ऑफ ड्रिल आप पढ़ेंगे दोस्तों। तो फिट ऑफ ड्रिल क्या होता है, ड्रिल की फिट वह दूरी है जो ड्रिल अपने प्रत्येक चक्कर में, ये एक चक्कर चक्कर में जाब के अंदर काटते हुए तय करता है, या ड्रिल जाब में एक पूरे चक्कर में जितना आगे बढ़ता है, अंदर की तरफ, ठीक है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, फिड कहेंगे। पूरे चक्कर में जितना आगे बढ़ता है उसे फिड कहेंगे। ठीक है, या इंच प्रति चक्कर या मिलीमीटर प्रति चक्कर में व्यक्त की जाती है दोनों में। उदाहरण के लिए अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे फिड ऑफ ड्रिल की, तो 200 चक्कर प्रति मिनट अगर कोई ड्रिल घूमता है तो जाब में उसका 20 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, कितना, 200 चक्कर प्रति मिनट अगर घूमता है तो जाब में आगे बढ़ेगा कितना, 20 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। तो इसकी फिर जब निकालेंगे दोस्तों, तो 20/200 निकालेंगे, या मतलब डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा दोस्तों, क्लियर, मिलीमीटर में चक्कर प्रति मिनट इसको होगी। ठीक है, ये समझ में नहीं आया लग रहा आपको, ठीक है, तो देख लीजिए, 220 कितना है, 200 कितना है दोस्तों, 200 चक्कर प्रति मिनट अगर ड्रिल घूमता है 1 मिनट में 200 चक्कर, तो उसका जाब में आगे कितना बढ़ेगा, तो 20 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, कितना, 20 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर इसकी कितनी होगी, तो 20/200 हो जाएगा। ठीक है, 20/200, तो जब इसको भाग देंगे तो 0.1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर चक्कर प्रति मिनट हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। अब इसके कुछ चार्ट हैं वो आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ दोस्तों, ये चार्ट है आपको दोस्तों, पूरा साफ तो दिख नहीं रहा लग रहा है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ फिट पर मिनट ये क्लियर है दोस्तों। ठीक है, 30 40 50 60 इस क्रमवाइज में 150 मिनट के चक्कर में है। ठीक है, 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट उसका फिट बताया दोस्तों। यहाँ पे दिखा रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब पर मिनट की डायमीटर इंटर इंच, यहाँ पे डायमीटर इंटर इंच दिया है। अगर 1/16 इंच का डायमीटर का ड्रिल है तो उसका फिट प्रति मिनट अगर 30 मिनट में है तो कितना आएगा, तो 1833 आएगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, पहले के जैसे डिवाइड कर लेंगे तो ये आंसर आता जाएगा। इस तरह के तरीका 1/8 3/16 1/4 3/16 1/3/8 7/16 1/2, इस तरह से हम क्लियर करते जाएंगे पूरा, ये आपका लिस्ट है यहाँ से यहाँ तक, वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ और दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ, विभिन्न माप के ड्रिल का प्रस्तावित फिट दोस्तों, ड्रिल का व्यास इंचों में 1/16 का फिट प्रति चक्कर 0.001 इंच में हो जाएगा, ड्रिल का व्यास 1.5 हो जाएगा, फिट चक्कर मिलीमीटर में 0.002 हो जाएगी, 0.02 हो जाएगी, क्लियर। इस तरह से 1/8 1/4 1/2 1, मतलब 1/8 का हो जाएगा 0.002 हो जाएगा, और इसका ड्रिल का मिलीमीटर व्यास 3.0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, 1/4 का 0.004 हो जाएगा, 0.60 हो जाएगा, और 0.10 हो जाएगा, 1/2 का 0.007, और इसका 12.0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 0.1818 हो जाएगा, इसका 1 का हो जाएगा 0.015 हो जाएगा, इसका 2.25.0 हो जाएगा, इसका 0.38 हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे,
ड्रिलिंग टाइम सूत्र का गणना करने का, तो इसको भी एक्सप्लेन करके आपको बता दे रहे हैं। ड्रिलिंग समय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ ड्रिलिंग टाइम, ठीक है। तो एफ डी मतलब क्या होगा, डेप्थ ऑफ होल हो जाएगा, एल मतलब फिट डिस्टेंस ऑफ होल हो जाएगा, और एक एल मतलब डेप्थ ऑफ होल प्लस 0.3 इंटू डी, जीरो मतलब क्या करना है, होल और इसको प्लस करके इंटू डी जो व्यास रहेगा उसमें गुणा कर देंगे दोस्तों। डी मतलब डायमीटर ऑफ ड्रिल होगा मिलीमीटर में, ठीक है। कैपिटल अगर एम रहेगा तो मेगामीटर हो जाएगा दोस्तों, हमेशा मिलीमीटर ध्यान देना चाहिए। एन आरपीएम हो जाएगा, यस फीड मतलब आप ड्रिल में मिलीमीटर रिवॉल्वेशन पर मिनट हो जाएगा। और डेल टाइम का सूत्र की बात कर लेंगे, यहाँ पे जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा डेल टाइम टी मतलब टी लेंगे, अगर समय गणना का ये क्या है दोस्तों का सूत्र पूछेगा, ड्रिलिंग समय गणना का सूत्र पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप, टी बराबर यल बटे यस गुड़े यन हो जाएगा, ठीक है। यस बता दिए फीड ऑफ ड्रिल हो जाएगा दोस्तों आपका, यन मतलब चक्कर हो जाएगा, आरपीएम हो जाएगा, यल का तो डेप्थ ऑफ होल हो जाएगा, और टी आपका समय हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ये क्लियर करवा दे रहा है। 15 मिलीमीटर व्यास के ड्रिल द्वारा 15 मिलीमीटर गहराई तक छिद करने के लिए समय ज्ञात करना, जबकि ड्रिल गति 320 चक्कर प्रति मिनट है, तो फीड 0.2 मिलीमीटर चक्कर है तो क्या क्या होगा, ठीक है, क्या क्या होगा। यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, एक छिद्र ज्ञात करने के लिए समय ज्ञात करें, समय मतलब ड्रिल टाइम, तो ड्रिल टाइम यहाँ है दोस्तों टी बराबर क्या बोले थे, यस बटे यस गुड़े यन, ठीक है, यस बटे टी बराबर यल बटे यस गुड़े यन, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका सवाल लगाते हैं दोस्तों, देखिए क्या करने हैं, यहाँ पे यल बराबर डेप्थ ऑफ होल, यल लिखेंगे ड्रिल टाइम मतलब ड्रिल टाइम टी पूछा है, तो यल मतलब जो डेप्थ ऑफ होल है कितना है हमारे पास, जो ड्रिल की गहराई है 51 है, यल मतलब क्या हो जाएगा डेप्थ ऑफ होल, तो 51 यहाँ पे क्लियर कर दिया है, प्लस 0.3 मैंने आपको ऊपर बताया था कि उसमें ऐड करना है 0.3, उसके बाद से डील का व्यास मतलब कहाँ है व्यास, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यास किधर है, तो 15 मीटर व्यास है तो गुड़े 15, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, 0.3 को और गुड़े 15 को गुड़ा करेंगे तो 15 3 45 4.5 आ जाएगा, और ये 51 प्लस कर लेंगे तो 55.5 आ जाएगा, क्लियर। अब यह समय के अनुसार फिर गुड़ा करेंगे, ठीक है, जो मतलब हमारा सूत्र है टी बराबर यल बटे यस गुड़े यन, तो टी मतलब समय पूछ रहा है, तो यल यल मतलब कितना है दोस्तों 55, कितना है दोस्तों 55.5, खिले 55.5 तो बटे आ जाएगा कितना 0.2, हमारा क्या था ये फिट दर थी, ठीक है, तो यस कितना है फिट दर है हमारा, तो यस में कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा इंटू ये क्या था यन चक्रों की संख्या तो 320 थी, ठीक है, तो 320 थी, तो जब इसको काटेंगे दोस्तों तो 0.86 मीटर प्रति या 52 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो चुका कैलकुलेशन, तो ड्रिलिंग टाइम मतलब क्या बताए थे आपको दोस्तों, तो टी बराबर यल बटे यस गुड़े यन पे सूत्र हम बताए थे कि इसको कैसे लगाना है, क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे, आपका ड्रिलिंग मेथड के बारे में बताते हैं, तो मेथड ऑफ ड्रिलिंग कैसे क्लियर करेंगे, तो देखिए दोस्तों पहला नंबर का टॉपिक से शुरू करते हैं इसको। मान लीजिए कोई एक ऐसे होल बना लीजिए और उसको सेंटर मार लीजिए और यहाँ पे राउंड मार लीजिए, क्लियर है। यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है, ये ग्रुप दर्शा रहा है, इंपोर्टेंट प्रिसीजन ऑफ ड्रिल पॉइंट मतलब ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे पॉइंट दर्शा रहा है, ठीक है। और मार्किंग आउट मतलब ये जो सबसे बाहरी किनारा है ये क्या दर्शाता है, मार्किंग आउट दर्शाता है, क्लियर हो गया। तो पहले नंबर से बात करते हैं, सबसे पहले ड्रिल के माप कटिंग एज के धार कटिंग कोण को जांच लेना चाहिए, ठीक है। मेथड मतलब ड्रिलिंग मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, कह रहे उसके जो कटिंग कोण है या कटिंग धार है उसको चेक कर लेना चाहिए, ड्राइंग के अनुसार ड्रिल होल के मार्किंग कर लेनी चाहिए, ड्रिल होल यहाँ पे जो ड्रिल होल है उसकी मार्किंग कर लेनी चाहिए, क्लियर दोस्तों। ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल में अच्छी तरह से फिट करना चाहिए, जो स्पिंडल है वहाँ पे ऐसे चक लगा होता है उसको क्या करते हैं अच्छी तरह से फिट कर लेना चाहिए। ड्रिल मशीन ड्रिलिंग करना हो तो उसे चला कर देख लें पहले, उसमें कोई गड़बड़ी या मतलब चक आउट तो नहीं घूम रहा है, मतलब बाहर या डगमग तो नहीं घूम रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। धातु ड्रिल व्यास के अनुसार मशीन स्पीड सेट कर लेनी चाहिए धातु के अनुसार, ठीक है। कास्ट आयरन है कि हाई स्पीड स्टील है कि माइल्ड स्टील है, ये क्लियर होना चाहिए आपको दोस्तों, ठीक है। इसके बाद से क्या करता है, जाब मशीन टेबल या वाइस को अच्छी तरह से क्लैंप करना चाहिए, बेंच वाइस दोस्तों, जो बेंच वाइस जो होता है आपको, ठीक है, जो जाब को क्या करते हैं मशीन वाइस या बेंच वाइस नहीं लगेगा, यहाँ पे मशीन वाइस लगेगा, क्या है ऊंचाई पर ठीक प्रकार से सेट कर लेना चाहिए। ड्रिल पॉइंट को सेंटर पंच के निशान लगाकर, जहाँ मान लीजिए जॉब है, ये हमारा जॉब है, यहाँ पे ड्रिलिंग करना है तो सेंटर पंच से क्या करना, निशान लगा लेना चाहिए, ठीक है। डेप्थ है गेज या स्टॉप छिद्र की गहराई एडजस्टेबल कर लेना चाहिए, उसको ब्लाइंड होल को क्या करना चाहिए, डेप्थ गेज या स्टॉप या छिद्र की गहराई के साथ एडजस्टेबल कर लेना चाहिए। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल पॉइंट धात में कुछ गोलाकार ग्रुप बना लेने चाहिए, गोलाकार ग्रुप यही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कार्य में ड्रिलिंग करते समय आरंभ होल को लेआउट या कंसेंट्रिक हो तो उसे ठीक स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्लियर।
ठीक ड्रिल ठीक सेंटर में न बैठा हो, तो मार्किंग ठीक सेंटर में न बैठा हो, या ड्रिल मतलब असावधानी पूर्वक ठीक न बैठा हो, या ड्रिल का पॉइंट ग्राइंड न हो, तो धातु या हार्ड या स्पाट हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, ड्रिल को सेंटर में लेना चाहिए, राउंड नो चीजल से उसके ग्रुप बना लेने चाहिए, ठीक है। ये आपको देना चाहिए, हाथ से हल्की फिट देना चाहिए, फिट मतलब जो स्पेंडल होता है वहां पे ऐसे हैंडल होता है, भाई डायरेक्ट अगर फिट दे देंगे तो दोस्तों एक बैग अचानक से ड्रिल गर्म होकर टूट जाएगी। ड्रिल जॉब को गर्म होने से बचाने के लिए अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए उचित कूलेंट मतलब लुब्रिकेंट मतलब तेल, कूलेंट मतलब पानी, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब प्रिकॉशंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों कुछ प्रिकॉशन से हम बता देते हैं आपको। तो प्रिकॉशन में देखिए, ड्रिल कटिंग लिप क्लियरेंस कोड धातु के अनुसार ग्राइंड होना चाहिए। जो धातु हाई स्पीड स्टील है, कास्ट आयरन है, ठीक है, या माइल्ड स्टील है, तो उसके अनुसार माइल्ड स्टील का कितना है, तो 118 है दोस्तों, कितना है 118 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 59 59 दोनों तरफ से, क्लियर। धातु के अनुसार ड्रिल का व्यास के अनुसार उसकी चाल या फिट करनी चाहिए, ठीक है। दोनों कटिंग लिप्स एक समान होने चाहिए, मतलब दोनों कटिंग लिप्स मतलब एक समान होने चाहिए, जैसे 59 59 118 है, तो 118, ये नहीं कि दूसरे दूसरे पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है, 118 दोनों होना चाहिए, 118 मतलब एक तरफ से 59 और एक तरफ से 59 होना चाहिए, ये क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है। ड्रिल समय दोनों फ्लूट्स लच्छेदार चिप्स बाहर आने चाहिए, लच्छेदार मतलब ग्रूविंग में चिप्स बनाना चाहिए। मान लीजिए कोई जॉब है, यहाँ पे कोई जॉब है, यहाँ पे जब ड्रिल कर रहे हो तो ऐसे राउंड में इसका चिप्स निकलना चाहिए, क्लियर। बड़े आकार के छिद्र को पूर्व किसी छोटे आकार के छिद्र ब्लाइंड होल करने के लिए बड़े साइड ड्रिल सेंटर का पंच है उसमें ठीक प्रकार से बैठा लेना चाहिए, आरंभ होने की आवश्यकता उसमें क्लियर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। जब क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो जब धातु कोई धातु है दोस्तों उसमें जब क्या है, ड्रिल एकदम पॉइंट तक पहुंच जाते हैं लास्ट सिरा पर, तो क्या करते हैं फीड को कम कर लेते हैं, वरना ड्रिल भी फंस कर टूट सकता है, और उचित कूलेंट की प्रबंध करना चाहिए, ठीक है। स्लीवाद को निकालने के लिए सदा ड्रिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्लियर। पश्चात क्या करते हैं, कार्य करने के पश्चात हम क्या करते हैं, ड्रिल को या मशीन को अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, उसके बाद से वहाँ वर्कशॉप से आपको जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।